नमस्कार कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरे लिए जो इतना महत्वपूर्ण दिन है, और मुक्ति फाउंडेशन जो मैंने बहुत सालों पहले शुरू की थी, फिर मुक्ति फाउंडेशन के तहत मैंने मुक्ति कल्चरल हब की स्थापना की है, और इस एरिया में मीन्स अंधेरी साइड में ये साइड में कहीं भी ऐसा हब नहीं है या इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसे कई कलाकारों ने हमको कहा। तो मेरा और मेरे बेटों का पैशन है आर्ट के प्रति, और हमने इस पे पूरी मेहनत डाल के मुक्ति कल्चरल हब को हमने यहाँ क्रिएट किया है, जिसमें ऑडिटोरियम तो है ही जो 350 सीट की है, जिसमें आप आर्ट दिखा सकते हो, प्ले थिएटर दिखा सकते हो या कॉन्फ्रेंस के लिए हो सकता है। हमने यहाँ दो डांस स्टूडियोज़ में, एक तो डांस स्टूडियो है जो हाउस ऑफ डांस मैंने शुरुआत की है, जो एक साल हो गया जिसको हमने शुरुआत की है, और एक हॉल है जिसमें प्रैक्टिस के लिए या डांस की परफॉर्मेंस के लिए कई सारी फिल्मी पर्सनालिटीज़ या लोग यहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक आर्ट गैलरी हमने शुरू की। तो कोशिश यही रही है कि हम आर्ट को बढ़ावा दें और लोगों को यहाँ आकर्षित करें कि आप एक ही रूफ के अंडर हम आपको वो सब देना चाहते हैं जो एक आर्ट को जो प्यार करता है, एक जो कलाकार होता है उसको यहाँ आके खुशी होगी। तो बस यही उद्देश्य से हमने ये प्रीमाइसेस को बड़ा किया है, और मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी यहाँ आए और उनको खुशी मिले, और बस आप सभी का प्यार और प्रार्थना करती हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहे, और मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। मुक्ति फाउंडेशन का काम तो चल ही रहा है, पर ये जो आर्ट के प्रति हमने शुरुआत की है उसको भी हमें उतनी ही कामयाबी मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अमित जी हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ही एक अहम इंसान है, जो हमारे मेरे हर काम में उन्होंने मुझे साथ दिया है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, क्योंकि हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, और सिर्फ जब भी कहीं मिलते हैं तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि अरे आपने ये भी किया, आपने ये भी कर रही हो। तो मेरे ख्याल से उनका जो एक सेंटेंस होता है वो मेरे लिए एक उत्स्फूर्त का स्थान होता है, और मैं उनको बहुत ही उनके सपोर्ट को मैं चाहती हूँ हमेशा, और वो मिलता आ रहा है। साहब के तो नज़दीक थे ही वो, और उन्होंने हमेशा यही कायम रखा है कि जो भी हमारे परिवार के साथ हम करना चाहते हैं तो उन्होंने हमारा साथ दिया है। वो उनको ये पेंटिंग्स तो बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बहुत रेयर पेंटिंग्स जो हमने किसी को कह के बनवाई है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि साहब हम उनकी कृपा दृष्टि यहाँ मेरे प्रीमाइसेस में रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, और अमित जी के हाथों इसका उद्घाटन हो, यही मेरी आशा थी और मेरी पूरी हो गई। मेरे दोनों बेटों ने कला का रास्ता ही चुना है, और मैं खुद तो कला की प्रेमी हूँ। तो बड़े बेटे ने, राहुल ठाकरे ने, डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग चुना है, और छोटे ने अपना पैशन एक्टिंग के प्रति। तो एक्चुअली उसने अपने मेहनत से जो भी वो सीखा है उसको मैं हमेशा सपोर्ट देती हूँ, जो भी उसको करना चाहता है या जो भी मेरे दोनों बेटे करना चाहते हैं उनको हमेशा मैंने कहा है कि आप अपने दिल की सुनो, ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, और बस अपने पैशन से करते रहो, कामयाबी तो अपने आप मिलेगी। अगर आप प्यार से काम करोगे, उस कला को उतने ही प्यार से सराहोगे, तो मेरे ख्याल से मैं यही कोशिश करती हूँ उनको सीख देने की, और ऊपर वाला चाहे तो उनको भी बहुत कामयाब, पहले तो कामयाब इंसान बनाए और कामयाब नेता और डायरेक्टर बनाए। ती फाउंडेशन तो एक सामाजिक कार्य करती हूँ, और राहुल प्रोडक्शन के अंदर मैं फिल्में बनाती हूँ और टीवी के वेब सीरीज़ बनाती हूँ और टीवी शोज़ बनाती हूँ। बट छोटे का कहना ये है कि शायद
उसकी कला देख के कोई और उसको प्रमोट करे या कोई और उसके उनके गाइडेंस के अंडर अगर वो अपना पहला पदार्पण करे तो वो ज़्यादा उसकी इच्छा वो है। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच। स्मिता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आज के इस उद्घाटन के लिए। स्मिता जी जिस परिवार से हैं उस परिवार के साथ मेरा पारिवारिक संबंध रहा है और बहुत ही अरसे से बाला साहब के साथ उनके परिवार के साथ हम सब एक साथ मिल करके एक परिवार की तरह रहे हैं। जय और मेरा जब विवाह हुआ तो बाला साहब ने मुझे बुलाया, कहा तुमने विवाह कर लिया है अपनी पत्नी को लेकर के आओ। तो मैं उनके घर गया और आई ने जिस तरह जया का स्वागत किया अपने घर में वो ऐसे लगा कि उनकी बहू घर में आई है। और तब से हमारा पारिवारिक संबंध बना रहा बाला साहब के साथ। उनका स्नेह, उनका आदर, उनका प्यार, उनकी देख रेख, जब भी कोई ऐसी घड़ी हो जब हमें उनसे थोड़ी सी प्रेरणा लेनी हो हम पहुंच जाते थे और वो हमारा हाथ पकड़कर हमें एक मार्गदर्शन देते थे। स्मिता जी के साथ जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये मुक्ति फाउंडेशन की जो उद्घाटना है उसके शायद पहले कार्यक्रम से स्मिता जी ने मुझे आमंत्रित किया और हमेशा मैं इनके साथ रहा हूँ। न केवल इसलिए कि जितने भी कार्यक्रम इन्होंने किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन मेरी नज़र में स्मिता जी एक महिला हैं और नारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण आज हमारे सामने यहाँ पर है। अकेले एक महिला ने इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी व्यवस्था आप सबके लिए तैयार कर दी है और करती रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही नेक काम है और जैसे कि हमने कहा कि बहुत बढ़िया उदाहरण है, इसीलिए मैं इनके साथ हमेशा जुड़ता रहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आज के लिए। और सोनू, जैसे आप कह रहे थे कि कितनी आवश्यकता है हमारे इस शहर में स्टेज के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, अभी कुछ महीने पहले मैं यहाँ पर आया था रिहर्सल करने और बाद में मुझे पता चला कि ये आपका रिहर्सल हॉल है। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको रिहर्सल करने के लिए नहीं मिलता और आजकल तो नृत्य के लिए काफ़ी रिहर्सल होना पड़ता है, तो ऐसे हॉल पैदा करना, ऐसे थिएटर्स पैदा करना जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम हो सकें, ये बहुत ही सराहनीय काम है। स्मिता जी मेरी शुभकामनाएं आपको, इसी तरह आपने एक काम आगे भी करते जाइए और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। हम सब के लिए, आई थिंक मुंबई वासियों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत ख़ास तौर पे फ़नकारों के लिए, कलाकारों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मुंबई शहर में एक ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया जहां मुंबई मुक्ति कल्चरल हब की स्थापना हुई। एज एन एक्टर जब भी मैं स्टेज पे जाता था तो बड़ी कमी महसूस होती थी कि बहुत सारे कम ऑडिटोरियम मिलते थे परफॉर्म करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे डांस है, पेंटिंग है, एग्जीबिशंस हैं, लोग करना चाहते हैं, एग्जिबिट करना चाहते हैं, लेकिन ऑडिटोरियम की सख्त कमी थी और एक आध ऑडिटोरियम को छोड़ के ऐसा कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम नहीं था जहाँ परफॉर्म करके आपको गर्व महसूस होगा। जब हम बाहर जाते हैं देश के तो देखते हैं कि बड़े खूबसूरत ऑडिटोरियम्स रहते हैं, हम वापस आके सोचते हैं काश हमारे शहर में भी, हमारे देश में भी ऐसा ऑडिटोरियम होता, चूँकि मुंबई अपने आप में एक कल्चरल हब है, उस हब के अंदर एक और हब, कल्चरल हब, तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ढेरों बधाई के पात्र हैं श्रीमती स्मिता ठाकरे जी, जिन्होंने इतने खूबसूरत एक हब की एक कल्पना की है जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट तरह तरह के अलग अलग फील्ड से, मुख्तलिफ फील्ड से यहाँ आ सकेंगे और अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकेंगे। स्मिता जी, इनकी फैमिली तो मेरी फैमिली जैसी है, बहुत सालों से हम और बच्चों को बड़े होते देखा है लिटरली हम लोगों ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस जगह पे इतना अच्छा मैं भी देख रहा है। इनफैक्ट मैं आज पहली बार इस बिल्डिंग में आया हूँ, हालांकि इतने टाइम से थे यहाँ पे, बट ये ऑडिटोरियम बना है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी हाईटेक किस्म का है और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो कल्चरल समारोह होंगे, चाहे वो प्लेज हों, चाहे वो शोज़ हों, चाहे वो फंक्शंस हों या कोई मीटिंग्स हों, उस वजह से इस एरिया में इतना अच्छा हॉल था नहीं तो अब बनाए तो अच्छा। क्या है कि अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता कहीं पर ना, तो फिर आदमी कहाँ, जब कल्चरल कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें अगर अच्छी कोई जगह हो, अच्छा ऑडिटोरियम हो, तो नेचुरली और अच्छा होता है ना।
सबसे पहली बात, आई थिंक वी कैन नेवर हैव इनफ ऑफ सच प्लेसेस, बिकॉज एज एन एक्टर यू फील सो गुड. आई पर्सनली डन लॉट ऑफ थिएटर बैक इन स्कूल एंड कॉलेज, सो इट्स ऑलवेज रियली नाइस जब ऐसी यू नो जगहें बनती हैं. लाइक वी आर big fans of when we go and I watch plays at Prithvi Theatre, so it's good that Andheri has its own place now, and it's like it has a dancing this thing also with it, so I think it's really good. As an actor you get a like a complete package here, so congratulations to everybody. Ji bilkul, maine kal jagah dekhi thi, bahut hi kamal ki jagah khuli, aur jaise Ankur ne kaha abhi ki Andheri mein aisi koi jagah nahi thi, aas paas kuch nahi tha, to jo bhi is taraf rehte hain log, main keh raha hu Goregaon, Malad, Kandigundi, Borivali, यहाँ पे एक एक्सेलेंट जगह खुल गई है, एक एक्सेलेंट ऑडी खुल गया है जहाँ पे आप प्लेस भी देख सकते हैं, यहाँ कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, डांस प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं. सो बहुत अच्छी जगह खुली है, वी आर रियली हैप्पी फॉर. थिएटर की बात करें तो खाली थिएटर का ही माइंड में आता था कि जी हाँ, उसके बाद अब ये बना है, तो एक्टर्स के लिए कितना बेस्ट परफॉर्मेंस यार, जो परफॉर्म करते हैं उनके लिए तो कमाल की जगह होती है. मैं थिएटर करने जा रहा हूँ, एक प्ले करने जा रहा हूँ, सो हम जैसों के लिए तो बहुत अच्छी जगह हो जाती है, परफॉर्म करने के लिए एक और जगह मिल जाती है, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचने की जगह मिल जाती है.